हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूजीसी नेट का आपका एग्जाम हो चुका है और 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया जो है आपकी चली थी। प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपका जो है अलग अलग डेज में आपका जो है एग्जाम्स हुआ है और उसी एग्जाम्स का जो एनालाइज करने के बाद, स्टूडेंट्स की राय लेने के बाद एक अनुमानित कट ऑफ हम आपके लिए बता रहे हैं, जो आपका क्वालिफाइंग जो नेट का स्कोर है वो कितना रह सकता है कैटेगरी वाइज, और आपका जो JRF है वो कितने अंकों पर निकल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल से आप जुड़ जाइएगा। इसी तरीके की जो है मैचुअल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज जो है एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी जो काफ़ी बड़ी मात्रा में हिंदू के स्टूडेंट्स यहाँ पर नेट के लिए अप्लाई किए थे और उनका जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो कितना रह सकता है। देखिएगा, पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है नेट का एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड था, ज़्यादा जो है इसमें अंतर देखने को नहीं मिला, लेकिन ये है कि पिछली बार के मुकाबले 10 से 15% क्वेश्चंस ऐसे थे जो हार्ड पूछे गए थे, जैसा कि स्टूडेंट्स की राय है। उसी के अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ है हम आपके लिए बता रहे हैं कैटेगरी वाइज। यदि आप JRF के लिए हिंदी से चाहते हो तो आपको मिनिमम जो स्कोर है वो 58 प्लस स्कोर आपको करना होगा, तभी आपका जो है JRF संभव है। यदि केवल क्वालिफाई करने की बात है तो 53% में आपका काम चल जाएगा। OBC की कैटेगरी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा 55 प्लस स्कोर आपके लिए जो है JRF के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर यदि आपकी जो क्वालिफाइंग स्कोर की बात की जाए तो 47 प्लस स्कोर आपके लिए अच्छा रहेगा हिंदी सब्जेक्ट के लिए। EWS सब्जेक्ट के बारे में यदि बात की जाए तो EWS के लिए 54 प्लस स्कोर आपका बेहतर स्कोर माना जाएगा JRF के लिए, और आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो आपका 46 प्लस आपका रह सकता है। SC कैटेगरी के लिए यदि बात की जाए, आपके जो है JRF के लिए आपका सब्जेक्ट जो है हिंदी रखा जाए तो यहाँ पर देखेगा आपका जो 52 प्लस स्कोर अच्छा रहेगा, और ST के लिए भी लगभग यही स्कोर आपका 51 प्लस स्कोर बेहतर रहेगा। और यदि यहाँ पर क्वालिफाइंग की बात की जाए तो 43 प्लस आपका स्कोर जो है बेहतर रहेगा दोनों ही कैटेगरी के लिए। तो आप हिंदी के सब्जेक्ट के लिए ये अनुमानित कट ऑफ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। इंग्लिश सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश के लिए भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन दिया था, और यहाँ पर जो आपका जिस तरीके से एग्ज़ाम्स है उसके अकॉर्डिंग जो एनालाइज किया है, 64 प्लस स्कोर यदि आपका है UR कैटेगरी में तो आपका जो है JRF निकल जाएगा, और यदि आपका जो स्कोर है वो 56 प्लस है तो आपका क्वालिफाइंग निश्चित हो जाएगा। OBC कैटेगरी की यदि बात की जाए तो OBC कैटेगरी में इंग्लिश सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो आपका जो है 59 प्लस स्कोर बेहतर रहेगा JRF के लिए, और यहाँ पर यदि बात की जाए केवल क्वालिफाइंग की तो क्वालिफाइंग के लिए आपका जो है 54 प्लस स्कोर बहुत अच्छा है यदि सब्जेक्ट इंग्लिश है। EWS में 57 प्लस स्कोर JRF के लिए बेहतर रहेगा, और 50 प्लस स्कोर आपका जो है यहाँ पर केवल क्वालिफाइंग के लिए बेहतर रहेगा। SC की यदि बात की जाए तो 53 प्लस स्कोर JRF निकाल लेंगे आप, और 52 प्लस में आप जो है ST कैटेगरी में JRF का आपका बेहतर स्कोर माना जाएगा। केवल क्वालिफाइंग स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा 47 प्लस SC के लिए, और ST के लिए जो है केवल 45 प्लस स्कोर बेहतर माना जाएगा यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की यदि बात की जाए कि अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो लेते हैं हम यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आपने काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे हिस्ट्री में भी, और यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट में जो एनालाइज किया गया एग्जाम्स का तो पिछले बार के मुकाबले थोड़ा हार्ड पाया गया, और इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी सब्जेक्ट है वाइज जो आपकी कैटेगरी वाइज का टॉप लगेगी वो इस प्रकार से है। UR के लिए 60 प्लस स्कोर आपका JRF के लिए बेहतर माना जाएगा, और 52 प्लस आपका केवल क्वालिफाइंग नेट के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर यदि OBC की बात की जाए तो 57 प्लस स्कोर बेहतर रहेगा, और आपका जो है 50 प्लस स्कोर क्वालिफाई के लिए बेहतर रहेगा।
EWS और यहाँ पर यदि 48 प्लस स्कोर है तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। SC की यदि बात की जाए तो 51 प्लस स्कोर बेहतर रहेगा और यहाँ पर आपका 45 प्लस स्कोर अच्छा रहेगा। ST कैटेगरी 50 प्लस और 45 प्लस में आपका क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा। ये सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए आपका जो है कैटेगरी वाइज जो है एनालाइज है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल में जो है काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन दिया था और यहाँ पर परसेंटेज अनुपस्थिति की काफ़ी ज़्यादा रही थी, तो उसी को देखते हुए भूगोल की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से आपकी लगेगी। JRF के लिए UR कैटेगरी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखेगा यहाँ पर 65 प्लस स्कोर आपका बेहतर रहेगा और यहाँ पर आपका केवल क्वालिफाइंग करने का यदि मैटर है तो केवल 58 प्लस स्कोर आपका बेहतर रहेगा। OBC कैटेगरी में आपका जो है यहाँ पर केवल 63 प्लस स्कोर बेहतर रहेगा। क्वालिफाइंग आपका 55 प्लस स्कोर पर हो जाएगा। EWS के लिए भी यहाँ पर आपका 63 प्लस स्कोर रहेगा और आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पर लगभग 53 प्लस आपका जा सकता है। SC कैटेगरी में यदि बात की जाए तो 60 प्लस स्कोर आपका बेहतर रहेगा और यहाँ पर आपका 50 प्लस स्कोर क्वालिफाइंग कर सकते हो। ST कैटेगरी के लिए भी आपकी सेम कंडीशन रहेगी और 50 प्लस स्कोर आपके लिए बेहतर माना जाएगा केवल क्वालिफाइंग स्कोर के लिए। यदि नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात की जाए भूगोल के बाद जो अगला सब्जेक्ट है हमारा वो है आपका इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से लगेगी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर JRF और क्वालिफाइंग स्कोर आपका कितना रह सकता है, यदि बात की जाए तो सबसे हाई जो कट ऑफ है वो अर्थशास्त्र की ही जाने की आशा है। पिछली बार भी ये कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई गई थी क्योंकि इस सब्जेक्ट के कैंडिडेट काफ़ी भारी मात्रा में होते हैं और यहाँ पर सीटें कम होती हैं, तो 72 प्लस इसकी कट ऑफ आपकी जा सकती है JRF के लिए। यदि केवल क्वालिफाइंग करने का आपका मैटर है तो 64 प्लस स्कोर आपका बेहतर माना जाएगा। OBC के लिए यदि बात की जाए तो यहाँ पर 67 प्लस स्कोर आपका JRF दिला सकता है और यहाँ पर क्वालिफाइंग के लिए आपका 61 प्लस स्कोर बेहतर रहेगा। EWS के लिए आपका जो है 66 प्लस स्कोर बेहतर रहेगा JRF के लिए और क्वालिफाइंग का यदि मैटर हो तो 60 प्लस स्कोर बेहतर है। SC के लिए 62 प्लस स्कोर JRF दिला सकता है और यहाँ पर आपका 58 प्लस स्कोर क्वालिफाइंग आसानी से करा देगा। ST कैटेगरी की बात की जाए तो 60 प्लस स्कोर अच्छा रहेगा और 55 प्लस स्कोर आपको जो है क्वालिफाइंग करा देगा। तो आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र की मेरिट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है इस बार भी। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका यहाँ पर देखिएगा कॉमर्स। कॉमर्स की जो कट ऑफ है वो आपकी किस प्रकार से लगेगी JRF और यहाँ पर नेट के लिए। कॉमर्स में यदि स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अनुपस्थिति कम देखी गई है, स्टूडेंट्स ने ज़्यादा रुचि दिखाई अपना एग्जाम से देने के लिए और जो कट ऑफ है आपकी यहाँ पर देखिएगा 67 प्लस आपका JRF UR कैटेगरी के लिए और यहाँ पर 62 प्लस आपका OBC कैटेगरी के लिए और यहाँ पर 61 प्लस EWS के लिए और यहाँ पर 58 प्लस SC के लिए और यहाँ पर 56 प्लस ST के लिए आपका JRF का स्कोर रहना है। यदि क्वालिफाइंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो 59 प्लस और यहाँ पर आपका जो है 57 प्लस आपका रह सकता है और यहाँ पर यदि बात की जाए EWS के लिए तो यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो 50 प्लस आपका रहेगा। यहाँ पर भी आपका स्कोर जो है 50 प्लस रहेगा और ST कैटेगरी के लिए आपका 48 प्लस रह सकता है। ये जो अनुमान है नेट क्वालिफाइंग का। अगले सब्जेक्ट की बात की जाए तो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी है उसमें जो आपके जो सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी की कट ऑफ भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगी और ये जो कट ऑफ है ये 69 प्लस आपका जो है यहाँ पर बेहतर रहेगा और ये जो है आपकी 65 प्लस और यहाँ पर आपकी इस तरीके से कट ऑफ आपकी लग सकती है और ये जो कट ऑफ है ये आपके JRF और आपकी नेट क्वालिफाइंग के लिए बेहतर स्कोर माना जाएगा।
तो ये सब्जेक्ट वाइज जो हमने कट ऑफ का एनालाइज किया है, आशा करता हूँ कि आपका सब्जेक्ट में आपका स्कोर जो है बेहतर होगा। यदि फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।